सनी कह रहे हैं क्या है फिर नदी पे वैसे उस नाम का गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। 2.1 डिस्कस की थी सी आज हम 2.2 डिस्कस कर रहे हैं और चैप्टर 2 डेफिनेशन। ओके हां जी बेटा, पेज ओपन पेज नंबर 51 पार्ट नंबर 3 बस कंडक्टर दिलीप कौर दीवाना द्वारा रचित है, ये पढ़ांगे। तो आप 2-3 मिनट वेट करते हैं बाकी स्टूडेंट्स भी, तो आगे आप स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास। हाँ जी बेटा, साथ साथ में आप अपनी बुक पे करते जाओ जिसने किए हैं, सीओ को तो रहने देना, देख लो जिसने अपनी बुक पे ये चीज नहीं की थी वो तो अपनी बुक पे फेल कर, ठीक है? और रिवीजन पे उनको लगता है कोई भी बुक को अपनी पास रखो आप जिस पे आप अपना नाम लिखिए, ठीक? क्लास तो हमने अजय क्लास में हमने सेक्शन बना चलो बेटा आप अगे स्टार्ट कर दिया। पहला आप पढ़ांगे लेखिका की जान पछाण। दलीप कौर टिवाणा का जन्म 4 मई 1935 ईस्वी नूं पिंड रब्बों विखे माता चंद कौर दी कुखों अते पिता श्री काका सिंह दे ग्रह विखे होया। छोटी उमरे ही इन्हां दी भूआ इन्हां नूं पटियाले लै गई जिथे जिन्हां ने 1955 विच एम ए पास कीती। सरकारी कॉलेज धर्मशाला विखे लैक्चरार दी नौकरी करन तों बाद 1963 ईस्वी विच पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दे पंजाबी विभाग विच बतौर लैक्चरार रीडर प्रोफेसर अते डीन दीआं सेवावां निभा के इत्थों ही इह सेवा मुक्त होई। ठीक है, तां उहनां दी पूरी है बेटा लाइफ। ठीक है, अगे है सेवा मुक्त होए। अजकल ही पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दे लाइफ फैलो हैं। दलीप कौर ने अपना साहित्यिक जीवन कहानियां लिखन नाल शुरू किया। 21 साल की उम्र विच इन्हां ने इन्हां दा पहला कहानी संग्रह प्रबल वहन छपिया। त्रांटा साधना वेदना वैराग्य नैन तुम भरी हुंगारा आदि इन्हां दे कहानी संग्रह छप चुके हैं। इन्हों इलावा इन्होंने नावल स्वय जीवनी साहित्यिक जीवनियां भी लिखिया। तो यह से बेटा पूरा उन्होंने जान पछाण उन्होंने कितने हुए फिर माता पिता कौन सी की उन्होंने क्वालिफिकेशन सी कितों उन्होंने अपनी जो स्टडी कंप्लीट की। ठीक है, मूव नेक्स्ट। दलीप कौर टिवाणा भारत सरकार वालों पद्म श्री अते पंजाब सरकार वालों पंजाबी साहित्य रतन अवार्ड नाल सम्मानित किया गया। देशों विदेशों चो भी काफ़ी सम्मान मिले। डॉक्टर दलीप कौर टिवाणा पंजाबी साहित्य अकादमी अते लुधियाना दे प्रवधान भी रहे। इन्हां दीआं बहुत सारियां पुस्तकां होर भाषावां विच भी अनुवाद हो चुकिया हन। ट्रांसलेशन जो उन्हां दी है बेटा हो चुकी है, तो आप पढ़ांगे अज बस कंडक्टर मूल पाठ का। ठीक है, ध्यान सुनो। लेडी डॉक्टर पाली की बदली नाभे तो पटियाले की हो गई। ठीक है, ये जो मेन करैक्टर कौन है पाली जो लेडी डॉक्टर है उन्होंने बदली पहला नाभे कम जॉब करते सी अपनी डॉक्टर सी फिर पटियाले हो गए। घर वाले कोशिश कर रहे सन कि बदली रुकवा ली जाए जिस करके वह पटियाले मकान लैके रहन की थान वे डॉक्टर तो इजाजत लैके हर रोज बस से सवेरे नाभे तो चली जाती है आथन परत आती। ठीक है, उन्होंने की किया कि नाभे तो ही उत्थे कोशिश की कि बदली रुकवाई जाए पर उन्होंने उत्थे पटियाले रहन नालों वो की करते बस पटियाले तो ही बस डेली आते घर वापस आते। ठीक है, बस की खड़खड़ गर्मी पसीना भीड़ के कंडक्टर दिया बेहुदा हरकत असभ्य बोलों तो ओदा डाढ़ा ही काला जी काला पैंदा पर कुछ दिनों की ही ते गल सोच वह सुबह सबों कुछ जर लेंदी। जिहड़ी बस च बेटा उन्हें जाना डॉक्टर पाली ने जाना वह बस बहुत पसीना गर्मी ते जो कंडक्टर से उहदी लैंग्वेज बहुत
ਭੱਦੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੀਤ ਦੀ ਉਸ ਬੱਸ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜੀ ਸੌਖੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬੱਸ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਬੜਾ ਸਾਊ ਇਸਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਕੰਡਕਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਜੀਤ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹ ਬੈਗ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਕਾਸੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰ ਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਭਾਈ ਨੇ ਜੀਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਤ ਸੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਡਕਟਰ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਡੇਲੀ ਇਹ ਲੜਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਜੋਬ ਕਰਨੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਹੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੱਡੀ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੂਰਾ 300 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀਤ ਨੇ ਟਿਕਟ ਫੜਾਉਂਦਿਆਂ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਜੀਤ ਨੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ 300 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਕਮਾਉਣ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਹਨੂੰ ਆਦਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਕੁੜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੇਟਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਆਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਦੇ ਤਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਅੱਧਖੜ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਕਮਾਉਣ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਹਨੂੰ ਆਦਮੀ ਆ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਕੁੜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਸੌਰੀ ਦੇ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਲੀ ਵੱਲ ਤੱਕਦਿਆਂ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਘਰਾਣੇ ਆ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਖਾਨਦਾਨੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਬਿਹੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੱਗੇ ਆ ਬੇਟਾ ਯਾ ਰੱਬ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਫੜਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਲਾਬੀ ਜਿਹੇ ਕੁੜਤੇ ਵਾਲੇ ਧੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਵੱਲ ਜੀਤ ਨੇ ਘੂਰ ਕੇ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ ਬਾਈ ਓਏ ਜਾਣ ਦੀ ਅਸਲਾ ਲਾ ਦਿਆਂ ਹੁਣੇ ਈ ਭੁੰਜੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿਕੰਮਾ ਘਟੀਆ ਪਰਸਨ ਹੋਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਗੁਲਾਬੀ ਕੁੜਤਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਤਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਐਵੇਂ ਕਾਹਨੂੰ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਰੂਲ ਨਾ ਹੋਵੋ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੀਤ ਨੇ ਟਿਕਟ ਫੜਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੋਂ 10 ਦਾ ਨੋਟ ਕੱਢ ਕੇ ਫੜਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਲੋ ਪੈਸੇ ਕੱਲ ਦੇ ਦੇਣਾ ਆ ਕੋ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਭਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਵੀ ਹੋਰ 10 ਦਾ ਨੋਟ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਮਾਈ ਟੁੱਟੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਢੇ ਦਸ ਆਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾੜੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਐਡਾ ਸਾਰਾ ਨੋਟ ਕੱਢ ਫੜਾਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੇਡੀ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਪੈਸੇ ਫੜਾਏ ਕਿ ਚੰਗਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 10.5 ਆਨੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਐਡਾ ਸਾਰਾ ਨੋਟ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਚੰਗਾ ਜਾ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉੱਤਰ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਜਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਜੀਤ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਸਖ਼ਤ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਵੇ ਪੁੱਤਾ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਬੱਸ ਨਾ ਤੁਰ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਾ ਏ ਤੂੰ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲੇਡੀ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੀ ਹੈਨਾ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਤਰਲੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਮਾਈ ਬੈਠ ਜਾਓ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਓ ਆਹ ਕੋਹ ਟਿਕਟ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਪਾਲੀ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਰਸਾਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਬਸ ਰੱਖੜਾ ਕਲਿਆਣ ਤੇ ਰੌਲੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੀ ਹੋਈ ਚੰਗੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਯਾਰ ਅੱਜ ਇੱਧਰ ਦੀ ਚੱਲੀ ਨੀਲਾ ਭਵਨ ਕੰਨੀ ਵੀ ਜੀਤ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਨੀਲਾ ਭਵਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੀ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰਾ ਬੁੜਬੜਾਈਆਂ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬੱਸ ਮੁੜ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਸੜਕੇ ਵੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਫੂਲ ਸਿਨੇਮਾ ਕੋਲ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਘੰਟੀ ਕਰਕੇ ਬੱਸ ਰੋਕ ਲਈ ਤੇ ਬਾਰੀ ਖੋਲਦਿਆਂ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉੱਤਰ ਜਾਓ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇੜੇ ਰਹੂਗਾ
डॉक्टर ने की कहा कि थानू इतने उत्तर जाना चाहिए तो थानू नेड़े रहूगा। पाली काली नाल उत्तर गई, वह धन्यवाद करना ही भूल गई है ना कि मैंने इन्हें नेड़े उतार दिता, वह थैंक यू ना कर पाई। बेचारा बड़ा बेचारा बड़ा चंगा कंडक्टर है, उन्होंने एक बार ख्याल है कहते कि बहुत चंगा है ना, किन्नी इन्हें मेरी हेल्प की है। अज शाम वापस जान लगी हाँ, जो स्टेशन पर पहुंची तो बस भर चुकी सी, बड़ी औखी हो के पौना घंटा दूसरी बस का इंतजार किया। किसी बस का एक कंडक्टर कमीज के कलमी के बटन खोल अवारा फिल्म के गाना गुना गवा दो तीन बारी पाली के अगों की लग गया। पता नहीं क्यों लोग इस बार अखा पड़ पड़ तक रहे सन, ठीक है। तो उत्थे जिवें बस की वह वेट कर रही थी, इंतजार कर रही थी, है ना। तो वो कोल दे होर सारे कई जो कंडक्टर से जो थोड़ा फिल्मी फिल्मी फिल्मा वाले की तरह थोड़ा आवारा गाने गा के वो कोल दी लंघ गया। अगले दिन फिर चांस अजिहा होया कि जो वह नाभे अड्डे से पहुंची तो बस भर चुकी सी, बिना टिकटों वाधू सवारियां नूं जीत फड़ फड़ उतार रहा सी, है ना। उन्हें सेम बस के फ्री सवारियां बैठिया से उन्होंने जीत उतार रहा सी। एक पल पाली कोल आया तो आखन लगा तुसीं अगली सीट पर झोला चुक के बैठ जाओ, तुहाडी खात सीट रखी है। तो उन्होंने की कहा उन्हें कि तुहाडे लई मैं सीट रखी सी, तुसीं अगे बैठ जाओ। कई घूर दिन नजर को लंघ पाली सीट से जा बैठी, तो जीत ने झट बस में घंटे की चलन की आवाज दे दी। ये बेचारा बड़ा चंगा कंडक्टर है, पाली ने दिल में एक बार फिर ख्याल आया कि बहुत चंगा है ना, इन्हें मेरे लिए सीट रखी है, तो वो बारे सोचने लगी। देखो बेटा बदली मुड़ नाभे के कराउन विच ज्यों ज्यों देर हो रही सी, पाली दुखी हुंदी। बसां दी खड़खड़ बस निकल जाण दा डर हर वेले दिमाग ते चढ़े रहिंदे। कई बार जदों कदे मोटियां सवारियां नाल बैठना पैंदा, उहदे वधिया कपड़े वट्टो वट्ट हो जांदे ते किसे कोल आउंदिआं पसीने दी बो उहदा सिर चकरान ला दिंदी, है ना। पसी गर्मी इन्ने ज्यादा सी। फिर एक दिन जो पाली पैसे देन लगी, नहीं बीबी रहन दे, आप जीत अगे लंघ गया। कहती नहीं, फिर जीत ने की कहा कि नहीं तुहानू तां पैसे नहीं पाउणे, नहीं भाई पैसे लै लै। पाली ने की कहा कि तैनू पैसे लै लैने चाहिए ने, की फर्क पै चलिया है। आप होर अगां जाके किसी नूं टिकट देन लग पिया, वह कहिंदा कि कोई गल नहीं, कोई फर्क नहीं पैंदा, तुसीं अपने कोल रखो। झगड़ा करना पाली नूं चंगा ना लग्गिया ते चुप करके बैठ गई। सारे राह वह हैरान हुंदी रही कि कंडक्टर ने उहदे कोलों पैसे क्यों ना लए, उहनूं इह चंगा वी नहीं लग्गिया। 300 रुपया कमाण वाली डॉक्टर कुड़ी ਲਈ 10.5 ਆਨੇ ਭਲਾ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਮਾਇਨੇ ਮਤਲਬ ਅਰਥ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖਣੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ 5 ਮਿੰਟ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਅੱਜ ਪੀਪਲ ਬੱਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡਵੇਜ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਕਿ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੱਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਦੇਖ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਬੱਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਉਹ ਬੱਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਚੜ੍ਹਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀਤ जितने हौली हौली आउंदी आखियां की कहिंदा उह कि उह आउंदा हुण क्यों इन्नी भैरवी, भैरवी दा मतलब की है इन्नी काली क्यों कीती है, है ना, छेती इन्नी छेती कि मीं आ रहे ने, कोई गल नहीं बस मिल जाणी है, अगे पहुंचना है कि नहीं। मड़का नाल ही आउंदा है, ड्राइवर बोलिया। ड्राइवर कहिंदा कि अगे भी पहुंचना है तो जल्दी आ, चलो बीबी बैठो अगली सीट पे, ताकि खुलदा, जीत ने आखिया, है ना। जीत ने कहता कि बैठो, मेम साहिबा तो बिना बस किवें तुर पैंदी, पिछा नाभे तो पटियाला हर रोज जाण वाला एक कलर्क हौली जिहे बोलिया। कलर्क कहिंदा कि इन्हां बिना बस नहीं अगे जाण लगी, है ना। जीत ने घूर के उहदे वल देखिया, सब चुप कर गए, बस तुर गई। पाली ने पैसे कढे पर उहदे बार बार आखण ते जीत ने ना कर दित्ती। पाली नूं डाढा गुस्सा आया, इस बेईमानी विच इह मैनूं वी हिस्सेदार बना रहा है। उहनूं इह बेईमानी लग रही सी, है ना। वह सोच रही थी कि इन पैसे लै लेने चाहिए ने, पर किहड़े पैसे लैके टिकट नहीं कटदा, पर कंपनी नाल तां धोखा होना ही है। वह सोच रही थी कि बस खड़ी कर, एक चैकर पर चढ़ पिया
चेक करने आ गया उ ठीक है लोगों दया वो जो टिकटा वेख रहा है तो पाली तेलियो तेली हो गई मतलब पसीनो पसीनी हो गई गर्मी आ गई डरन लगी है ना कि टिकट नहीं कि शर्म की गल कि मेरे को टिकट ही नहीं वो कहती मैं इन्हें पैसे कमाने वाली हूँ क्योंकि मैं अच टिकट मेरे को नहीं हैगी मैं आख दयागी कि कंडक्टर ने दिता ही नहीं मैं मंगिया उन्हें सोचा उन्हें भी कहा कि अगर मैं पूछा तो मैं कह दूंगी कि मेरे को टिकट मैं मिली ही नहीं वह बेचारा फसेगा नहीं कह देंगी मैं लैना भुल गई कहती नहीं वो फस जूगा है ना तो फिर सोचने लगी कि मैं कह दूंगी कि मैं भुल गई पर नहीं मैं कहूँ झूठ बोला वो अंदर बहस होने लगी सोचने लगी मैं झूठ बोलने की लड़ पी है ना इन्हें नू चेकर को आ पहुंचे जी टिकट चेकर ने जी आख्या ही सी जीत ने अपनी जेब विचों टिकट कढ के कहा यह बीबी मेरी भैन है इन्हों का टिकट मेरे को कंडक्टर भज के कोल आया जाके की कहता कि जो लेडी है ये मेरी सिस्टर है यदा टिकट मेरे को टिकट देख के चेकर एक बार गोडिया तो घसी पचाने के कूड़िया तो फटे खाकी कपड़े वाले कंडक्टर की कीमती साड़ी वाले डॉक्टर ने वाल तक के अखा ही अखा बच मुस्कराए है ना वो देख लगे कि वो कपड़े तो कहो जे पाए हुए ने है ना भैन कि हो सकती है कि डॉक्टर ने इन्हें बहुत वाले कपड़े पा के बैठी है तो जीत लोहा लाखा हो गया लोहा लाखा हो जाना मतलब क्रोध आ जाना चक्कर छेती ही बस विच उतर गया पाली हैरान परेशान सोच रही सी कि 60 रुपया विच गुजारा करन वाला खबर किसी दिन रोटी खुणों भी एवें ही रह के मेरे टिकट के पैसे पूरे करता हो हस्पताल विच पाली नूं किन्नी वार यह गल याद आई इस नूं गाड़ी बेचैनी हुई शाम नूं जदों अड्डे ते पहुंची तो हौली हौली उदास उदास जी उहदे कोल आया मेरी वड्डी भैण दी लाहौर डॉक्टर डॉक्टरी विच पढ़ती सी आपकी गल सुन लगी हल्या वेले उत्थे ही मर गई बाकी घर दे भी मर गए मैं रुलदा खुलदा इधर आ गया पढ़ाई भी कितने होनी सी कई बार तो रोटी भी नसीब ना होंगी फिर कंडक्टर बन गया तो बैग के टूटिया जिहियां देख के मैं अमरजीत याद आ गई अमरजीत मेरी सिस्टर सी ठीक है ते अगों उहदा गला भर आया पाली डाडी बेजान हुई उहनू समझ ना लगी कि उह की आके इन्ने नूं बस आ गई वह काले नाल उधर नूं तुर पिया ते पाली उहनू जांदे नूं गाडिया मूह भिजिया अखा तकती रही ठीक है इसी वजह तो कहानी कि जो कंडक्टर से वह अपनी भैन दे रूप में वो जो पाली से उसनों देखता से ठीक है उन्होंने की लगता है कि वह जी लड़की है कि वह भी मेरी भैन है अपनी भैन याद भी करता है मिस करता है क्योंकि हल्या मेरी उसकी डेथ हो चुकी है बेटा ये क्वेश्चन आंसर ने सारे बच्चे ने अपने आप अनम्यूट कर लेना है मैंने क्वेश्चन आंसर सुनाने ठीक है हाँ जी बेटा दलीप कौर टिवाणा की रची हुई कहानी केड़ी है केड़ी कहानी है बेटा मैम बस कंडक्टर बस कंडक्टर मैम यस हाँ ठीक है बस कंडक्टर का पात्र कौन है कौन कौन कैरेक्टर थे बेटे डॉक्टर पाली जी पाली ओके ओके मुसाफिर क्लर्क ओके ओके पाली नु कितनी तनख्वाह मिलती है 300 रुपए मैम लेडी डॉक्टर पाली दी तब्दीली नाभा तो कितनी हो गई सी पटियाला बुढ़ी औरत पाली ने टिकट लेने लिए कितने रुपए कड़े बस कंडक्टर कहानी दा बस कंडक्टर दा की नाम सी जीत जीत बस कंडक्टर दे पात्र जीत ने पाली नूं बसों कित्थों कित्थे उतारिया नाले कोल बस कंडक्टर कहानी दे पात्र जीत कंडक्टर जीत कंडक्टर दी भैण दा की नाम सी अमरजीत बस कंडक्टर कहानी दे कंडक्टर ने टिकट चेकर नु पाली नाल की रिश्ता दसिया भैण दा भैण दा बस कंडक्टर जीत नु किन्नी तनख्वाह मिलदी सी 60 रुपए 60 रुपए बस कंडक्टर जीत दी भैण किथे डॉक्टरी विच पढ़दी सी लाहौर दलीप कौर टिवाणा का जन्म कदों होया दलीप कौर 4 मई
1935 दिलीप कौर टिवाणा आजकल केड़े यूनिवर्सिटी दे लाइफ फेलो हन पंजाब यूनिवर्सिटी दे लाइफ फेलो पंजाबी पंजाबी बेटा बस कंडक्टर जी दा भैन प्यार भैन प्यार किस दी बेचानी दा सबब बन रहा है पाली दी पाली दा यस जीत कंडक्टर ने डॉक्टर पाली नु देख के किस दी याद आ गई सी पाली भैन दी बस बस कंडक्टर जीत दी भैन कदों मारी गई सी पाली नू बस कंडक्टर किस तरह दा लगदा सी अमरजीत केड़ी पढ़ाई कर रही सी अगले दिन पाली जान बुझ के किन्ने मिंट देरी नाल आई पांच मिंट किसनू देख के लाली किसनू देख के पाली तेलियो तेली हो गई टिकट चेक कर इस करके पाली नु शर्म महसूस हो रही सी टिकट ना होने करके पाली ने टिकट लेन लई बस कंडक्टर नु कितने रुपए दिते कलर्क ने पाली नू कही कल जीत नू कही कलर्क ने जीत नू कही जीत बस कंडक्टर की तनखा किन्नी सी 60 रुपए पाली कोल नौकरी बैग देख के जीत नू किस दी याद आउंदी सी अपनी मरी भैण दी नाभे तो पटियाले दा बस किराया किन्ना सी 10.5 बस विच मोटियां सवारियां नू देख के पाली नू की हुंदा सी चकराउण लग पैंदा ते उस दे वधी कपड़े विच फट पै जांदे बस विच किसे किसे कोलों आ रही पसीने दी बदबू नाल पाली नू की हुंदा सी सिर चकराउण लगदा सी सिर चकराउण लग पैंदा ओके बेटा रिवीजन कर लेनी है ठीक है मैम ओके बेटा ओके मैम।